छोड़ना नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर और मशहूर बॉलर शुएब अख्तर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो शैतान को कंकरियां मारते हुए नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अलग अलग लोग अलग अलग तरीक़े से शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। जैसे इन साहब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता 2 साल कबल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, और इन साहब का वीडियो भी इस साल वायरल हो रहा है। ऐसे में शुएब अख्तर ने भी शैतान को कंकरियाँ मारने वाला ये वीडियो शेयर किया, तो उनके इस अमल पर कुछ लोग तबसरा करते हुए एक शख्स ने लिखा कि ज़ाती दुश्मनी लगती है आपकी उसके साथ। तो किसी और ने लिखा कि बेटा शैतान का अब खैर नहीं, 160 किलोमीटर फी घंटे से कंकरियां खा रहा है। इस तरह से लोगों ने तबसरा किया शुएब अख्तर के इस वीडियो पर। नाज़रीन इकराम, दरअसल रमी एक यादगार इबादत है जो शैतानी और बातिल ताकतों से इजहार नफ़रत के लिए अलामती तौर पर इस उम्मत में बाकी रखा गया है। इस हुक्म के पीछे एक यादगार वाक़िया है जिसका जिक्र हदीस और तारीख़ की किताबों में आया है। बहकी में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत आई है, फरमाते हैं कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुक्म इलाही बेटे की क़ुरबानी की तामील के लिए चले तो शैतान जमरे उकबा के नज़दीक सामने आया, तो आपने उसे 7 कंकरियाँ मारी यहाँ तक कि वह ज़मीन में धंस गया। फिर दूसरे जमरे के पास नज़र आया तो आपने दोबारा उसे 7 कंकरियाँ मारी यहाँ तक कि वह ज़मीन में धंस गया। फिर तीसरे जमरा के पास सामने आया तो आपने 12 उसे 7 कंकरियाँ मारी यहाँ तक कि वह ज़मीन में धंस गया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि शैतान को पत्थर मारने की कार्रवाई दरअसल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इत्तबा में है। अस्सुनानुल कुबरा ली अबी बकर अहमद बहकी की रिवायत है, जहाँ पर इसकी आप हजरात दलील भी देख सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, शुएब अख्तर के इस अमल पर और दीगर हजरात ने जिस तरह से कंकरियाँ मारी हैं, आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकुमुल्लाह, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।